हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री के चौथे लेसन के बारे में। इसके चौथे लेसन का जो पार्ट बहुविकल्पी हैं और दो दो नंबर के प्रश्न हैं, हम उनके आंसर बताएंगे। इससे आप अनसॉल्व पेपर हल कर सकते हैं। और इसमें हमने जो छांटे हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए, इसमें से पहला प्रश्न कौन सा है बहुविकल्पीय प्रश्न में से। पहला प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। इसमें से पूछ रहा है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। अभी हमारे सर ने क्लास में आईयूपीएसी नाम का पूरा चैप्टर समझाया हुआ है आईयूपीएसी के बारे में। उसमें से सारे ये में थे तो प्रो, ब्यूट, पेंट, ये सारे नाम बताए हुए, उनमें से आप लर्न कर लीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल बता दे रही हूँ कि क्या होगा। प्रोपेन, प्रोपेन का मेथ का मतलब होता है एक कार्बन होगा, और एथ का मतलब होता है दो कार्बन होंगे, प्रोप का मतलब होता है तीन कार्बन होंगे, ब्यूट का मतलब चार कार्बन, ऐसे करके बताए गए हैं 8 नंबर तक। इसमें देखिए कि प्रोप, प्रोप का मतलब कितने कार्बन, अभी हमने बताया तीन। तीन कार्बन किस में है, 2 नंबर में, C3H8, यानी कौन सा हमारा सही होगा, 2रा नंबर। अगला प्रश्न है, एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। एस्टल्डिहाइड यानी एथेनल, क्या होगा, एथेनल होगा। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का सूत्र क्या है, नॉल यानी एल्कोहल, एल्कोहल का समूह क्या होता है, OH, और प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H7 और OH। प्रोपेन का आण्विक सूत्र C3H8 है, जिसमें कितने संयोजक पाए जाते हैं, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। दिए गए कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक कार्यात्मक समूह वाला है क्या है, CH3CO CH3। कार्बन के दो विशिष्ट गुणधर्म है जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। पहला नंबर है कार्बन की अधिक क्रियाशीलता, कार्बन की परिवर्ती संयोजकता, कार्बन के सहसंयोजक यौगिक बनाने की क्षमता। अगला है, ब्रोमो प्रोपेन की संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ब्रोमो प्रोपेन का संरचनात्मक सूत्र बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, CR हो गया। ब्रोमो का होता है Br, CH2 Br, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे CR की जगह थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो Br होगा, CR नहीं, ब्रोमिन का होता है Br। अगला है, साबुन अथवा अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया, साबुन अथवा अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया को किन समूहों पर आधारित है, स्पष्ट करें। साबुन और अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया ये दो भागों में आधारित है, अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग और ध्रुवीय जल को आकर्षित करने वाला सल्फोनेट यानी SO3 Na भाग। अगला, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ये नाम दिए गए हैं तो इनके संरचनात्मक सूत्र क्या होंगे, प्रोपेन 2 Al, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक ऑल, CH2OH। इसमें आईपीएससी संरचना और नाम बनाना ये अलग पार्ट में समझाया गया है, तो आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में समझ में नहीं आएगा। उसको शुरुआत से लेकर के सारी चीजें बताई गई हैं। इसका होता है CH2OH, CHOH, CH2OH, और हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का होता है CH3 एकल बॉन्ड CHOH COOH। निम्नलिखित में आईपीएससी पद्धति के नाम लिखिए। इनमें से आईयूपीएससी नाम लिखने हैं, CH3CO CH3 क्या है, CO यानी कीटोन समूह का है, ओन यहाँ पे ओन आता है, और कार्बन कितने हैं इसमें, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोप, और इसमें ओन आ रहा है यानी CO कीटोन समूह का है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। C2H5OH क्या है, एथेनॉल, क्योंकि एथेन का सूत्र होता है, OH एल्कोहल लग गया, तो क्या हो जाएगा, ऑल शब्द जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेनॉल। निम्नलिखित यौगिक के आईपीएसी नाम लिखिए।
यानी फार्मल्डिहाइड और एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? फार्मल्डिहाइड का मेथनॉल, एस्टिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसमें अभिक्रियाएं जो दी हुई हैं इनमें संतुलित करना है। इसमें यह संतुलित करना है कि दोनों साइड की काउंटिंग बराबर है, यानी दोनों साइड के पदार्थ बराबर हैं, संख्याएं बराबर हैं कि नहीं। जैसे इस पे कार्बन इधर 6 है और इधर एक है सिर्फ, और हाइड्रोजन की भी मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये ग्लूकोज वाली अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी ऐसी होती है, लेकिन इसमें सब जगह 6 6 होगा। जैसे यहाँ पे C6 है तो यहाँ पे हो जाएगा 6C O2 H12O6+O2, और यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 6 हो जाएगा, प्लस ऊर्जा Na+G2H5OSCH3CH2 एन ए, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, इसमें भी 2 लगेगा। आगे निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। CH3CH2CH2C CH3। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन वाला क्या होता है, पेंट। लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होता है वहाँ पे आयन होता है, क्या होता है, आयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटाइन। दूसरा है CH3CH2CO CH2CH3, यहाँ पे CO यानी कीटोन समूह आ गया, और कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, कीटोन समूह आ गया, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। क्या है, पेंटेनोन 3। साबुन के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख दो पदार्थों के नाम लिखिए। तेल या वसा तथा NaOH या KOH होते हैं। सोडियम रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए साबुन का, सॉरी साबुन का। साबुन का रासायनिक नाम होता है सोडियम स्टोरेट, और रासायनिक सूत्र होता है C17H35COONA। मृदु साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जब साबुन के निर्माण में वसा के अतिरिक्त जब साबुन के निर्माण में वसा के अतिरिक्त क्षार के रूप में कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता था, इसका कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है, तब मृदु साबुन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मृदु साबुन प्राप्त होता है। मृदु साबुन जल के साथ अधिक झाग देता है। नहाने के साबुन मृदु साबुन होते हैं। जो नहाने वाले साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, मृदु साबुन होते हैं। एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम हम अभी ऊपर भी बताया है, एथेनोइक अम्ल होगा। मृदु साबुन में उपस्थित धात्विक तत्व का नाम लिखिए। पोटेशियम, मृदु साबुन में भी हमने आपको बताया क्या होता है, पोटेशियम। किसी एक साबुन का रासायनिक सूत्र लिखिए C17H35COONA। एस्टिक अम्ल व एथिल एल्कोहल फास्फोरस अभिक्रत होकर कौन सा उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया का सामान्य नाम क्या है। प्राप्त उत्पाद को एस्टर तथा अभिक्रिया को क्या कहेंगे, एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। अगला प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है और इसके तनु जल विलयन यानी 5 से 8% का नाम बताइए। साधारण नाम एस्टिक अम्ल है और जिसका तनु विलयन होता है वह क्या है, सिरका। अच्छे साबुन की विशेषता लिखिए। अच्छा साबुन क्षार रहित होता है। प्रयोगशाला में लाने पर चटकना नहीं चाहिए। साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। साबुन अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। साबुन क्या होना चाहिए, अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। अगला, मिश्र धातु क्या होते हैं, तो उदाहरण भी दीजिए। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु। जैसे स्टेनलेस स्टील, पीतल आदि। यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत जल्द आ गए हैं और तैयारी करने के लिए अभी आपको टॉपिक नहीं मिल पा रहे होंगे, इसलिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न छाटे हुए हैं। हर लेसन के हैं इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिल जाएगा, इंग्लिश मैथ सब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यौगिक CH3COOH का नाम लिखिए तथा इसका प्रकार्यात्मक समूह पहचानिए।
यौगिक इथेनोइक अम्ल यानी एस्टिक अम्ल तथा प्रकार्यात्मक समूह C OOH कार्बोक्सिल है। ये इसमें से टिप्पणी लिखनी थी, कार्बनिक यौगिक नामकरण निम्न विधि के द्वारा किया जाता है। यौगिक कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, यौगिक क्या होते हैं इसके, यौगिक कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर नामकरण किया जाता है। जैसे मेथ नंबर 1 और एथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7 आदि। दूसरा है, यदि यौगिक में क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो, यदि यौगिक में क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो तो उसकी उपस्थिति विशिष्ट द्वितीयक अनुलग्न के द्वारा दिखाई जाती है। विशिष्ट द्वितीयक अनुलग्न के द्वारा दिखाई जाती है। द्वितीयक अनुलग्न को प्राथमिक अनुलग्न के अंतिम अक्षर ई के स्थान पर लगाते हैं। जैसे अल्कोहल के लिए क्या है, अल्कोहल के लिए द्वितीय अनुलग्न ऑल होगा और CH3OH का नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। जैसे यौगिक मूल शब्द हो गया प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीय अनुलग्न और नाम, यौगिक हो गया CH3OH मूल शब्द मेथ और प्राथमिक संतुलन एन, द्वितीय संतुलन ऑल, मेथेनॉल क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। चुने हुए मूल शब्दों के प्राथमिक अनुलग्न को जोड़ा जाता है। प्राथमिक अनुलग्न मुख्य श्रृंखला में उपस्थित सी एकल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी का ज्ञान कराते हैं। ये 3 कार्बन एकल बंध होते हैं, एन द्विबंध होता, एकल बंध वाले एन होते हैं, द्विबंध हेतु इन होते हैं, त्रिबंध हेतु आयन होते हैं। आयन शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे CH3 एकल बॉन्ड CH3, एथेन का H2C डबल बॉन्ड CH2, HC डबल बॉन्ड CH एथाइन हो गया। हाइड्रोकार्बन की दहन की अभिक्रिया, अपने सभी अपरूपों में कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये प्रायः ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। प्रायः क्या होती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। C+O2 CO2 ऊष्मा एवं प्रकाश, CH4+O2 CO2 प्लस CH2O एवं ऊष्मा एवं प्रकाश, CH3 CH3OH प्लस O2 CO2H2 ऊष्मा एवं प्रकाश। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, किण्वन योगात्मक अभिक्रिया सजातीय श्रेणी कार्बन की चतुसंयोजकता। किण्वन खमीर यह एक प्रकार का पौधा या फफूंदी है जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो अपने भोजन की आपूर्ति के लिए शर्करा पदार्थों के अपघटन से भोजन की आपूर्ति के लिए शर्करा युक्त पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करता है। ईस्ट किण्व भी कहते हैं, ईस्ट को क्या कहते हैं, किण्व भी कहते हैं। किण्व द्वारा शर्कराओं के अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं। अतः किण्वन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अणु जीवों या उनमें उपस्थित एंजाइमों द्वारा मंद गति से स्पष्ट होता है। दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरका बनाना किण्वन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। योगात्मक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कार्बनिक यौगिकों से अभिकर्मक का योग होने पर यौगिक की असंतृप्तता कम हो जाती है तथा वह संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। एथिलीन को क्लोरीन से अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 अभी कर सकते हैं, ClCl लिख सकते हैं, लेकिन आगे प्लस नहीं लिखा, CH2Cl CH2Cl। सजातीय श्रेणी समान क्रियात्मक समूहों एवं यौगिक को जब उनके बढ़ते या घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो प्राप्त श्रेणी का सजातीय श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे, जो प्राप्त होती है श्रेणी वो सजातीय श्रेणी उसे कहेंगे। सजातीय श्रेणी दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। संतृप्त यौगिक सजातीय श्रेणी
निम्न प्रकार है, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जैसे हमने बताया था ऑक्टेन तक है। इसी प्रकार से अल्कोहल की सजातीय श्रेणी का समान सूत्र होगा CnH2+1 और OH। निम्न प्रकार है मेथिल अल्कोहल वगैरह। सजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण, इसके सभी यौगिक के समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकते हैं। जैसे पैराफिन श्रेणी समान सूत्र होता है इसका CnH2n+2 है। प्रत्येक सजातीय श्रेणी को दो क्रमागत सदस्यों के सूत्र में CH2 का समान अंतर होता है। श्रेणी के सभी सदस्यों को कुछ सामान्य विधियों द्वारा बनाया जा सकता है, जैसे कि श्रेणी के यौगिक के अणुभार बढ़ने के साथ भौतिक श्रेणी भौतिक गुणों को क्रमिक परिवर्तन होता है। सजातीय श्रेणी प्रत्येक सदस्य में एक निश्चित क्रियात्मक समूह होता है, अतः सदस्यों को रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। बच्चों आज का वीडियो हम ये समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चे उठा सके। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।